और मौत के फरमान जारी हो रहे हैं। प्रदेश में एक अपराध और अराजकता का ऐसा साम्राज्य है कि लगातार मध्य प्रदेश में ऐसा कोई महीना नहीं गया। आदरणीय सभी परिवार के साथियों, आज दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री बार बार, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, करीब 500 बयान उनके माफियाओं के खिलाफ आए, और माफियाओं के खिलाफ ही नहीं आए, उन्होंने कहा गाड़ दूंगा, उन्होंने कहा काट दूंगा, लटका दूंगा, मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जाओ। एक माफिया आप मध्य प्रदेश में किसी भी रूप में नहीं रह सकता, और अलग मूड में है भैया इस बार। ऐसे ऐसे बयान सिर्फ हेडलाइन बनाते हैं, वैसी भाषा जिससे पब्लिसिटी मिलती है, इस सरकार का शंगुफा बन गया। ताजा घटना, मध्य प्रदेश अपहरण माफिया की राजधानी बन गई। पहले बिहार में, यूपी में या देश के अन्य प्रदेशों में इस तरह के हालात बनते थे। वो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से सत्ता का अपहरण किया, उसी तरीके से अपहरण माफिया सर चढ़ के बोल रहा है। एक विधायक कांग्रेस पार्टी के, उनको 29 जनवरी को एक पत्र मिला और कहा 1 करोड़ रुपए दो नहीं तो आपके बेटे की हत्या कर देंगे। उन्होंने पुलिस को दिया, पुलिस मौन हो गई, कुछ कार्रवाई नहीं की। ये शिवराज सिंह के राज का फलसफा है। ये प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश के भोपाल के विधायक, उनको धमकी मिल रही है। ये शिवराज सिंह जी का असली चेहरा है, उनके सरकार का असली चेहरा है। शिवपुर में हथियारबंद लोगों ने आज ही अखबारों की सुर्खी है कि सरपंच के बेटे को 20 लाख की फिरौती के लिए अपहरण कर लिया। ये शिवराज सिंह जी माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी आज की घटना नहीं है। लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह जी, लगातार एक के बाद अपहरण की घटनाएं मध्य प्रदेश देश में सबसे सिक्योर इन अपराधियों को दिखने लगा। 15 अक्टूबर को मध्य प्रदेश जबलपुर में खनन व्यवसायी मुकेश लांबा को 13 साल के बेटे का अपहरण कर लिया, हत्या कर दी, 2 करोड़ की फिरौती मांगी। 21 दिसंबर 2020 मुरैना जिले में बीएसएफ के जवान के बेटे को, 17 वर्षीय प्रिंस को अपहरण कर लिया, 10 लाख की फिरौती मांगी। 2 जनवरी 2021 राजधानी भोपाल में डायमंड मर्चेंट का अपहरण कर लिया। 12 जनवरी 2021 मध्य प्रदेश के उमरिया में 13 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण करके 9 दरिंदों ने गैंगरेप कर दिया। 23 अप्रैल 2020 मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 6 वर्ष की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया, आंखें फोड़ दी। शिवराज सिंह जी भाभी के साथ वैलेंटाइन मना रहे हैं। 22 जनवरी 2021 जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी का सर पत्थर से फोड़कर हत्या कर दी। ऐसी तमाम घटनाएं जो मैं बोलने लगूंगा तो 1 घंटा लगेगा पूरे मध्य प्रदेश का। अपहरण के की परिस्थितियों में सर्दी थे, अब आप देखो मध्य प्रदेश के हालात। रोज सुबह नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री घर में नहाते धोते हैं, पूजा 3 जगह करते हैं, ऊपर अलग करते हैं, नीचे अलग करते हैं, और आखिरी में मुख्यमंत्री बनना है, शिवराज सिंह जी को हटाना उसका अलग हवन होता है। और फिर बाहर 3 मीडिया के उनके सहयोगी उनको ज्ञान देते हैं आज क्या मुद्दे हैं, फिर वो तीनों से बात करते हैं, फिर प्लस माइनस करते हैं और बाहर आते हैं मीडिया के लोग, आप जब तक चाय पानी पोहे करते हैं, रोज डेली। ये मेरा काम नहीं, वो समझने का अंडरस्टूड है। मैं मानता हूं कि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं
तो फिर कांच में देखते अपने चेहरे को, मेरा एक बाल तो कहीं सफेद नहीं दिख जाए। चलता फिरता ब्यूटी पार्लर बाहर आता है और कुछ न कुछ राहुल गांधी को, कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी को, कुछ न कुछ नेहरू जी को, कुछ न कुछ ऐसा जिससे उनके पाप नहीं दिखे, वैसी बातें करते हैं। गृह मंत्री का जो दायित्व है वो दिखे नहीं लोगों को, वैसी बातें करते हैं। आप देखो मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति, पिछले 12 महीने में 4532 दुष्कर्म की घटनाएं हुई 12 महीने में। आप देखो इस मायने से 365 दिन से इसको डिवाइडेड करें तो रोज 13 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए शिवराज सरकार में, रोज 13 महिलाओं के साथ, बहनों के साथ जिनके पैर धोके किसी भी काम का शुभारंभ करते हैं शिवराज। बेटियां मामा जी के राज में बेटियों की 13 बेटियों की रोज अस्मत उड़ती है। आप देखो कंगना राणावत, बहन परेशान मत होना, आपकी सुरक्षा की गारंटी है। नरोत्तम मिश्रा जी का कल ही बयान देखा, बहन कंगना राणावत आपकी सुरक्षा की गारंटी है। ये 13 बहनों की अस्मत लूटती है, इसकी जवाबदारी कौन, आपके दादाजी की है, किसकी है, ये बताने की आज मध्य प्रदेश की जनता को अति आवश्यकता है। आप देखो पिछले 12 महीने में महिलाओं के अलग अलग अपराधों में 4923 मामले, 49,923 मामले, 49,923 मामले, इस हिसाब से 137 महिलाओं के साथ लगातार कुछ न कुछ अपराध हुआ है। ये शिवराज सिंह चौहान कंगना राणावत की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हमारे लोगों ने विरोध किया कि किसानों को आप हत्यारा और आतंकवादी कहती हो तो उन पर 307 की धाराएं लगाते हैं, लाठी चार्ज इस बर्बरता से करते हैं जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मुझे समझ से परे है इस बात को कि इस तरह का कैसा शासन चलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ कलावती भूरिया, एक महिला आदिवासी विधायक, उसको उनका एक विधायक कहता है तेरे को जान से मार दूंगा, दूसरा जिला अध्यक्ष बड़वानी का कहता है सोनी कि तेरी नाक काट दूंगा, तीसरा एक उनका जिला अध्यक्ष अलीराजपुर का कहता है कि तेरा हाथ काट दूंगा। यह है शिवराज, यह है सरकार। और इस तरह की भाषा, इस तरह की भावना महिलाओं के साथ न्याय करने की है। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी 137 महिलाओं की रोज कुछ न कुछ अपराध आपके राज में होते हैं, आपकी बातें सिर्फ भाषण हेडलाइन, आपका ढोंग दिखता है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश के पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 12 महीने में 4000 से अधिक बलात्कार और 6000 से अधिक अपहरण हो गए, और नरोत्तम मिश्रा रोज एक बाल भी मेरा सफेद कैसे न दिखे इस पर रोज 2 घंटे लगाते, रोज अपना ब्यूटी पार्लर कैसे मैं सच के दिखूं लोगों को, टीवी और कैमरों को, इस पर अपना समय बिताते हैं। यह है मध्य प्रदेश की असली वस्तु स्थिति। साथियों बातें करने के लिए बहुत है, पर जब अपराध ही सरकार ही अपराध करने लग जाए तब क्या करे जनता, क्या करे मीडिया, क्या करे विपक्ष। आप देखो जैसा मैंने कहा बड़वानी का जिला अध्यक्ष महिला आदिवासी विधायक की जान की नाक काटने की बात कहता है, बीजेपी के नेता गुंडे हो गए। दूसरा जैसा मैंने कहा पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान कलावती को हाथ काटने की बात करते हैं, जब बीजेपी के नेता ही गुंडे हो जाए। तीसरा आदमी बीजेपी का जिला अध्यक्ष किशोर दोगने जान से मारने की धमकी देता है, जब बीजेपी के नेता ही गुंडे हो जाए। पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह कल किस तरह की अराजकता की, आपने देखा, आपने छापा, और मुख्य वैलेंटाइन डे का विरोध है और शिवराज सिंह जी भाभी को लेकर घड़ियाल और क्या नाम है दूसरा, मगरमच्छ एक साथ रह सकते हैं क्या, इसके लिए वैलेंटाइन डे की घूमे, कोई मना नहीं है ना, हमारा विरोध है, साथ रहना चाहिए, हम तो ये चाह रहे हैं और ऐसी आजादी सबके लिए होना चाहिए। पर एक तरफ मुख्यमंत्री घूम रहे हैं को लेके
और दूसरी तरफ एक परिवार के साथ जो वीडियो फुटेज पूरे देश में गए, मध्य प्रदेश को शर्मसार करते हैं या नहीं करते, यह है विषय आज। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से मध्य प्रदेश को खतरा है। जबलपुर में बीजेपी नेता सोनू वाचवानी ने गृह मंत्री के संबंधों का हवाला देकर 2 लाख की फिरौती मांगी, एनएसए हटवा दूंगा। एक तरफ माफियाओं पे एनएसए लगता है, दूसरी तरफ हटवाने को लेकर रिश्वतबाजी होती। भाजपा नेता उपेंद्र नाथ धाकड़ योगा टीचर के साथ दुष्कर्म किया, सामने है, आप लोगों ने ही मामला मीडिया ही लेके आई। मध्य प्रदेश के बड़वारा में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष अनुराग गुप्ता शासकीय हाई स्कूल की भूमि पर कब्जा कर लिया। माफियाओं के विरोध में लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। जब राघवेंद्र सिंह हमारे विधायक वहां पहुंचे तो उन पर एफआईआर करने की धमकी दे दी, तू मैं की झगड़े हुए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से कैसे बचाए प्रदेश को, ये सवाल है। और ये तथ्यों से कोई आरोप नहीं, शिवराज सिंह जी को इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। शिवराज सिंह जी को इस पर इस भावना के साथ कि पन्ना के सागर में माफियाओं ने आज 3 वन कर्मियों पर हमला कर दिया, कैसा शासन चला रहा है। थोड़े दिन पहले देवास में पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने गिनाया था कुछ बातें, वो इसमें नहीं है। ये कैसा शासन चलाना चाहते हैं, समझ से परे है। आप देखो कि जो मुख्यमंत्री पेट्रोल 7 पैसे बढ़ गया था तो साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया था, जो मुख्यमंत्री एलपीजी की गैस की टंकी पे 3 रुपए बढ़ जाते थे तो उल्टे सर खड़े हो जाते थे, आज 1 महीने में 2 बार 75 रुपए की बढ़ोतरी, परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो 26% की बढ़ोतरी। बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। शिवराज सिंह जी, कम से कम मध्य प्रदेश के हक की जो कमी आप कर सकते हो वो तो आपको करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के टैक्स में मध्य प्रदेश ने जितना तांडव मचा रखा है उसको तो आप कम करो। मोदी जी से डरो, मुख्यमंत्री रहना है, मोदी जी से तो आंख नहीं मिला सकते हो आप, पर आपको मुख्यमंत्री रहना है तो मध्य प्रदेश के हिस्से का टैक्स घटा के ये सस्ता कैसे हो, ये भावना बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, सवाल कही है। आप देखो कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माफिया या पनप नहीं सकता है और शिवराज अलग मूड में है, दूसरी तरफ शराब माफियाओं के खिलाफ शराब की अगर अवैध तस्करी हुई तो कलेक्टर और एसपी पे गाज गिरेगी। 14 लोग उज्जैन में चले गए, 24 लोग मुरैना में चले गए, 4 लोगों की आज छतरपुर की घटना सामने आई। मुख्यमंत्री मौन है, वीडी शर्मा के 1 साल पर बधाई देना है पर 4 लोगों की मौत की जुम्मेवारी नहीं लेना। कितना दुख, कितना दर्द, कैसी सरकार, समझ से परे। मैं मानता हूं कि ये वो लेटर जो आपको हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं जिसमें देवेंद्र पटेल से फिरौती की मांग की गई और जो व्यक्ति आया वो फुटेज में है, पुलिस को दे दिया, पुलिस मौन है। मेरा आरोप है क्या पुलिस और अपहरणकर्ता दोनों मिलकर यह घटनाएं कर रहे हैं? मेरा आरोप है 29 तारीख की घटनाएं आज तक नहीं हुआ, क्यों? एक 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 कदम आगे नहीं बढ़े, क्यों? क्या इस तरह की इतनी मैंने अपहरण की घटनाएं आपको सुनाई, क्या इसमें गृह विभाग का भी हाथ है क्या? इतनी घटनाएं पहले तो नहीं होती थी, अभी क्यों हुई? पहले भी शिवराज सिंह जी का सरकार थी, क्या कारण है? बातें करने की बहुत सारी है पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैंने आप लोगों को बताई। साथ ही साथ महंगाई की जो परिस्थिति है वो मैंने आपको बताई। मध्य प्रदेश के हालात चिंता के हैं, मध्य प्रदेश की परिस्थिति चिंता की है। शिवराज सिंह जी को सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना है, उसकी उन्होंने पूरी
पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं मानता हूं इससे मध्य प्रदेश चिंतित भी है, दुखी भी है, परेशान भी है, और सारी सारी परिस्थितियों के बाद मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि रामेश्वर शर्मा से कौन ने फिरौती मांगी और यह हालात है तो आप अच्छी सरकार कैसे चला रहे, अच्छे मुख्यमंत्री कैसे हैं और गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। सवाल इतने ही है, इसी के लिए आप सबको बुलाया गया था, धन्यवाद। ऐसा है, कुछ बातें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन में आती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं आ सकती। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का, पूरे देश में किसान आंदोलन की बात हो रही है, किसान आंदोलन का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में 21 तारीख को कमलनाथ जी एक संभागीय सम्मेलन, 19 या 20 तारीख को विधायक दल की मीटिंग और 22 तारीख और लगातार यहाँ के प्रभारी, मध्य प्रदेश के प्रभारी, चारों प्रभारी चारों जगह जा जा के आयोजन होंगे। कल मेरी विधानसभा में बहुत बड़ी पदयात्रा है, आज कुणाल की विधानसभा में बहुत बड़ी पदयात्रा है, लगातार कल हमारी मीटिंगें होगी। तो ये कहना कि कांग्रेस क्या कर रही है, बिल्कुल जरूर आपकी भावना से मैं सहमत हूँ, आप चाहते हो सड़क पे आओ और ताकत से आओ, इस कुशासन के खिलाफ लड़ो, हम आपके साथ हैं, आप ये कह रहे हैं सही है, मानता हूँ। चलो आप दादा, मैंने कहा पत्रकारों की जो भावना है उसके में हम कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि कुशासन वाली सरकार बनी है और जल्दी से जल्दी उसको हटाओ, आप लोगों की भावना हम उसमें लगे हैं और सही तरीके से। ऐसा है एक एक हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर अपना रोल प्ले किया है। जनता का मूड लगातार उसके बाद भी महंगाई को उतना बड़ा इश्यू मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं मानता हूं कि ये एहसास हम आपको और जनता को होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का तो दायित्व है ही है, पर जनता का भी ये भावना बननी चाहिए कि अन्याय हो रहा है। 60 साल का हिसाब पूछने वाले लोगों को ये एहसास हो गया कि जो 60 साल में महंगाई की दर कांग्रेस पार्टी जहां लेके आई उससे सीधी डबल ये मोदी सरकार ने की है। तो ये आवाज़ आपकी जो उठ रही है, आपकी उठ रही मीडिया संस्थानों की उठ रही है, ये अपने आप लोगों के जहन में बैठी। हमारी बात हम करते हैं तो उसमें राजनीतिक पुट भी दिख सकता है, पर आप करते हो तो उसका एहसास सही है, तकलीफ वो दिखता है। इसीलिए तो हमने शिवराज सिंह जी से अपील की। रही बात आंदोलन की, कांग्रेस पार्टी का 2 दिन के अंदर आज और कल में महंगाई को लेकर पूरा प्रोग्राम आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अभी जो करना है उसके लिए कल और परसों में आपको प्रोग्राम दे दिया जाएगा। सर रानी से का रेडियो प्रोग्राम बनेगा फिर 100 के छत्तरपुर में होती है। गृह मंत्री कहते हैं कि जहरीली शराब से मौत नहीं, यूपी की शराब लेके मौत ही मौत तो मौत होती है, जहरीली शराब तो चाहे कैसे भी हो। मैंने तस्करी हो रही है, इसका मतलब जो तस्करी हुई उसका भी पाप तो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय और सरकार का ही है। अगर ये कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब हम तस्करी भी कराने लग गए। ये कहा नरोत्तम मिश्रा ने कि पहले जो यहां बनती थी उसको तो हम रोक रहे हैं, पर तस्करी से मंगा के लोगों की हत्या करवा रहे हैं। ये नरोत्तम मिश्रा का उत्तर है।